आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में क्रोम में कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेबसाइट लोड नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में पहले गूगल क्रोम ऐप ओपन करिए। क्रोम में आने के बाद ऊपर राइट में 3 डॉट पर क्लिक करिए, उसके बाद नीचे ये सेटिंग्स आएगा, सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग में आने के बाद नीचे आइए, नीचे आने पर आएगा ये साइट सेटिंग्स, साइट सेटिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे नीचे आइए। नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में कंटेंट में ये थर्ड पार्टी कुकीज़ आएगा, इस पे क्लिक करिए। अगर आपका ये ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ सेलेक्ट है तो ऊपर आएगा ये अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज़, इस पे क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए यहाँ पे। उसके बाद क्रोम से बाहर आइए, अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे ये ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर ये ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। ऐप मैनेजमेंट ओपन होने के बाद फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं तो नीचे आइए, नीचे आकर ये क्रोम आएगा, क्रोम पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे फिर से फोर्स स्टॉप करिए और इसके नीचे ये स्टोरेज यूसेज आएगा, इस पर क्लिक करिए। नीचे ये क्लियर कैशे पे क्लिक करिए, ऊपर ये मैनेज स्पेस पे क्लिक करिए। नीचे क्लियर ऑल डेटा करिए, ऊपर ये ओके या फिर डिलीट आएगा, इस पर क्लिक करिए। तो ये करने से आपके फ़ोन में कोई डेटा डिलीट या फिर आपके फ़ोन से क्रोम से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो यहाँ पे बैक आ जाइए, बैक आने पर अब ये डेटा यूसेज पे क्लिक करिए। डिसेबल मोबाइल डेटा, डिसेबल वाईफाई दोनों ऑन है तो इन दोनों को बंद करिए। अब यहाँ पे अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिए, ऊपर ये सर्च बार पर क्लिक करिए, क्रोम सर्च करिए और चेक करिए। अगर आपके फ़ोन में क्रोम का कोई अपडेट आया है तो क्रोम को अपडेट करिए, अगर अपडेट नहीं आया है तो यहाँ पे बाहर आइए। अब अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए, फ़ोन को रीबूट रीस्टार्ट करिए। अब चेक करिए गूगल क्रोम में वेबसाइट ओपन हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।